तो दोस्तों चलिए सीखते हैं कि कैसे हम एक सीलिंग फ़ैन को मोटर रीवाइंडिंग करने के बाद कैसे हम उसको आसानी से फिट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे हाथ में एक स्टेटर है, पंखे की मोटर है, जो पंखे का रिंग होता है वो है, कैपेसिटर है, और जो फ़ैन के कवर होते हैं ऊपर और नीचे के, वो दोनों हैं। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं आज। तो सबसे पहले दोस्तों इस स्टेटर को आपको हाथ में लेकर, और ये जो ऊपर वाला कवर है इस ऊपर वाले कवर में डाल लेंगे। सभी वायर को ऊपर वाले कवर में डाल लेंगे ऐसे, और इसको हल्के हाथों से नीचे की तरफ पुश करेंगे ऐसे, और इसको जितना हो सकता है नीचे करना है। और इसको हम क्या करेंगे, अभी तीनों जो स्क्रू है वो लगा देंगे। ये देखिए, तीनों स्क्रू को लगा देना है, और किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको धीरे धीरे करके हल्के हाथों से टाइट करने हैं। एक साथ टाइट नहीं करने हैं दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक साथ अगर टाइट करोगे तो जो फैन है वो एक साइड से ज़्यादा टाइट होने की वजह से एक साइड से दब जाएगा, और आपका जो फ़ैन है उसकी फिटिंग प्रॉपर नहीं आएगी। और आपको साथ साथ यह भी देखते रहना है कि इस जो हमारा फ़ैन की मोटर है उसको हाथ से घुमाते रहना है, तो जो फिटिंग है वो आपको पता चलती रहेगी। अगर कहीं से भी फ़ैन अच्छे से फिट नहीं होता है तो यह उसी समय रुक जाएगा, या फिर उसी समय जहाँ से टाइट होगा वहाँ से रुकना शुरू हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इसकी फिटिंग प्रॉपर हो चुकी है। अगर हम इसको एक बार घुमाते हैं तो ये घूमते रहता है हाथ से भी, बिना लाइट के भी। तो अभी हमें इसके कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन करने के लिए हमें इन चारों वायर को पहले इस सुराख के अंदर से निकाल लेना है, और इस सुराख से निकालने के लिए आप किसी भी चीज़ की मदद ले सकते हैं। अगर आपके पास लाइनर है तो आप लाइनर से निकाल सकते हैं, और अगर टेस्टर है तो टेस्टर से निकाल सकते हैं। हम भी लाइनर की मदद से इसको बाहर निकाल लेते हैं एक एक वायर को। दोस्तों ध्यान यह रखना है कि वायर को ऊपर से आपको खींचना है, नीचे से जोड़ ना लगाएं, क्योंकि अगर नीचे से आप जोड़ लगाते हो तो जो वायर है वो नीचे मोटर के कनेक्शन में से बाहर आ जाएगी, तो उससे फिर आपको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। देखिए जैसे हमने निकाले हैं, चारों वायर को आपको इस सुराख में से निकालना है। इसमें यहाँ सुराख एक और भी दिया हुआ है, लेकिन ये पंखे को ऊपर लटकाने के लिए, लगाने के लिए है। चारों निकाल लिए, अभी हमें लेना है कनेक्टर। कनेक्टर को हम यहाँ एक सुराख दिया है, होल दिया हुआ है, इसमें हम लगा देंगे। ये देखिए, इसके बाद हमें लेना है एक कैपेसिटर। कैपेसिटर को इसके अंदर लगा देंगे। अब बारी आती है कनेक्शन की, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखना है। दोस्तों कनेक्शन बिल्कुल आसान है, आपको एक मिनट भी नहीं लगेगा कनेक्शन समझने में। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ ये जो वायर है। एक बार कैपेसिटर को साइड में कर देते हैं। इसमें फ़ैन में से चार वायर आई है, ठीक है। चार वायर में से कोई भी दो वायर रेड और ब्लैक को हम एक साथ कर देंगे, ठीक है। इनमें दो वायर बच गई आपकी, इन दो वायर में हम जो कैपेसिटर है उसको लगा देंगे, ठीक है। आ गया समझ में, इन दोनों में जो कैपेसिटर के वायर है वो लगा देंगे। अब इसको कनेक्टर में लगा देंगे, और इसको चेक करके आपको यहीं पे दिखा देते हैं। पहले हम इसको सीरीज बोर्ड में चेक कर लेंगे। सीरीज बोर्ड है हमारे पास, आपके पास भी होना चाहिए। ये देखिए, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो आपका सही है, वरना ये गलत है कनेक्शन आपके। अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये कनेक्शन हमारे गलत है, तो हम इसको चेंज करेंगे। चेंज कर कैसे करेंगे वो आपको अभी दिखा देते हैं। दोस्तों अगर आपका फ़ैन उल्टा चल रहा है नई वाइंडिंग के दौरान, कनेक्शन आपके गलत हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें देखिए जो नीचे से वायर आई थी उन दोनों को हमने एक साथ किया था, ब्लैक और रेड को, तो उनको हटा लेना है, ठीक है। उनको दोनों को हटा लेना है, और जो रेड वायर हमने कैपेसिटर में लगाई थी उस रेड को इस रेड के साथ एक्सचेंज कर देना है, और कुछ नहीं करना है। जो इस कैपेसिटर में रेड लगाई थी उस रेड को हम इस ब्लैक के साथ अटैच कर देंगे, और
जो ये रेड बची है उसको हम यहाँ लगा देंगे। अभी हम चेक करते हैं तो यह हमारा जो फ़ैन है वो क्लॉकवाइज घूमेगा। देखिए सीरीज में लगा देते हैं इसको, और जो हम मेन वायर लगाएंगे वो नीचे से जो रेड ब्लैक आई है उसमें, और जो रेड वायर कैपेसिटर के साथ अटैच करी है उसमें। ये देखिए अभी यह जो फ़ैन है वो क्लॉकवाइज घूमेगा जब हम पंखे को छत में लगा देंगे। अभी यह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन जब हम इसको आपको लगा के दिखाते हैं तो यह क्लॉकवाइज घूमेगा। अभी आपको चेक करवा देते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने बताया था, हमने जो मेन वायर है उसको जो नीचे से रेड ब्लैक आए थे उसके साथ, और जो कैपेसिटर वाली रेड वायर है उसके साथ हमने अटैच कर लिया। अभी हम इसको लगाते हैं सीरीज वाले बोर्ड में चेक करने के लिए। तो देखिए हमारा जो फ़ैन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब जो फ़ैन है वो सही चल रहा है, सही कनेक्शन हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी समझ में आ गई होगी। कनेक्शन और फिटिंग हमारे द्वारा बताए गए आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आपका काम अभी क्या है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।